हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशीष दुबे एक्स्ट्रा तैयारी इंडिया बेस्ट लर्निंग ऐप से आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, मैं पढ़ाने जा रहा हूं आप लोगों को मैथ के बारे में और मैथ की इंपॉर्टेंट चैप्टर पॉलीनोमियल। ठीक है, आई जो भी लोग प्रीवियस वीडियो ना देखे हो प्लीज मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए और लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन आप लोगों के पॉलीनोमियल के कवर किए जाएंगे। ठीक है, ये इंट्रोडक्टरी फेज रहेगा जिसमें बताया जाएगा कि पॉलीनोमियल क्या है, पॉलीनोमियल से रिलेटेड जितनी भी टॉपिक्स होगी और उस पर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, आइए आर एस अग्रवाल की बुक मैं फॉलो कर रहा हूँ। प्लीज जो भी बच्चे क्लास 10th के पॉलीनोमियल की स्टडी करना चाह रहे हैं प्लीज इसी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि एक एक टॉपिक एक एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा जो कि आप लोग के होने वाले बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ओके, नाउ पॉलीनोमियल पहले जानेंगे पॉलीनोमियल होता क्या है। हिंदी में इसको भी हम लिख दे रहे हैं जो बच्चे बहुपद। ठीक है, जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है हिंदी में हम लोग पहले पढ़े होंगे बचपन बचपन में बहुपद। तो बहुपद दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक बहु और दूसरा पद। बहु सास बहु वाली बहु नहीं जो स्टोरी में आ जाती है या फिर सीरियल में आ जाती है ना, नहीं गोपी बहु नहीं, इस तरीके का कुछ नहीं। यहाँ पे जो बहु है वो हम लोग बचपन में पढ़े थे। कब पढ़े थे? एकवचन बहुवचन, एकवचन बहुवचन, तो वो वाला जो बहुवचन है वही है। पद मीन्स टुकड़ा। ठीक है, तो जहां ढेर सारे टुकड़े हैं, ढेर सारे नंबर्स हैं जो कलेक्शन एक ही जगह पे हो रहे हैं, तो उसको हम लोग पॉलीनोमियल कह सकते हैं एज अ सिंपल। उसके डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे डेफिनेशन ओके। द एक्सप्रेशन The expression, the expression of the form यहाँ से लिखो Px is equal to Px is equal to what? A naught plus A one x A two x to the power two। समझ आ रहा है कैसे कैसे पढ़ रहे हैं? पहले A naught हुआ करता था, फिर A one x, फिर A two x two, फिर A three x three, और ये A to A n और x to the power। बहुत ही बेसिक हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाएगा, अगर आपका बेस क्लियर हुआ तो हम लोग ये बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लोग बेसिक इसका क्लियर करते हुए चलूंगा, और जो लोग भी 10th में हो और प्रिपरेशन कर रहे हो या टीम जेईई की, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो लोग 10th एग्जाम बोर्ड में हो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो आप लोग प्लीज वीडियो को लास्ट में देखिएगा। ठीक है, क्या हो गया? P of x is equal to A naught A one x A to the power A two x to the power two। ठीक है, फिर A three x to the power three। उसी तरीके से करते हुए हम लोग कहाँ पे चलेंगे? इनफाइनाइट तक, जहाँ पे A के A n रहेगा और x to the power n रहेगा। ठीक है, खत्म। अब इसमें बताया गया आप लोग कहोगे सर ये A one क्या है, A two क्या है, A three क्या है, A zero क्या है, A naught क्या है, जो भी। Then A1, A1, A2, A3, A4, A5 and AN is real number।
क्या है A1, A0, A1, A2, A3, A4, A5 कहाँ तक? A to the power या An तक, ठीक है? इस रियल नंबर, ओके। X क्या हुआ तुम्हें यहाँ पे? X फिर X स्क्वायर, X X to the power, X is a variable, ठीक है? क्या है आपका A1, A2, A3, A4, A5, A n तक क्या था? सब रियल नंबर थे। और x, x2, x3 पावर 2, फिर x पावर 3, फिर यहां कहां तक x पावर n इज अ वेरिएबल, ठीक है? और रियल नंबर के साथ साथ क्या हो सकते हैं? A1, A2 कुछ और भी चीजें होंगी जिससे रियल नंबर ही होंगे, बताइए। इंटीजर भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकता है, ठीक है? आइए इसी साथ अब एक एग्जांपल भी दे दिया जाए, एक एग्जांपल दे दिया जाए, 3x माइनस 2 या 3x और 3x माइनस 6 ये भी हुआ। तो इसके अगर हम लोग एग्जाम्पल से देखें जैसे कि उन्होंने बताया, तो हम लोग कह सकते हैं इट इज द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल एंड रियल एंड वेरिएबल नंबर्स। किसके किसके हैं कलेक्शन? ये रियल नंबर का और वेरिएबल का, एंड वेरिएबल है द डिफरेंट डिग्रीज, ये जितनी पावर है इसकी पावर कुछ भी हो सकता है, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 6 था, 7 था, 8 था, 9 था, और ठीक है। तो सिर्फ ये कलेक्शन किसका किसका है? रियल नंबर का है, वेरिएबल का है। किसका कलेक्शन है? एक रियल नंबर का है, एक वेरिएबल का है, ओके? देन एग्जांपल 3x माइनस 2 और 3x माइनस 6 इज अ पॉलीनोमियल, इज अ पॉलीनोमियल इज अ पॉलीनोमियल है पॉलीनोमियल हाँ है पॉलीनोमियल इसमें इन एक्स ऑफ डिग्री 1। इसकी देख रहे हैं आप एक्स की डिग्री कितनी है? हाईएस्ट 1 है, देख रहे हैं नहीं लिखा रहता है तो वहां पे 1 रहता है, ओके? इसी तरीके से एक और एग्जांपल, हाँ दूसरा क्या है 2x2 6x + 4, ठीक है? 2x² + 6x + 4। अब ये बताइए क्या पॉलीनोमियल है? इसे पॉलीनोमियल है, पॉलीनोमियल इन x ऑफ डिग्री है, इस डिग्री कितनी है इसकी? कितने हो रहे हैं? 2। और सिंपली एक और ये भी पॉलीनोमियल है, इसकी एक्स की डिग्री क्या हो जाएगी? इसकी एक्स की डिग्री क्या हो जाएगी? 3 इज पॉलीनोमियल, एक्स की डिग्री 3। और कई लोगों के दिमाग में बात आ रही है सर सिर्फ एक्स ही रह सकता है वेरिएबल? नहीं, वेरिएबल और कुछ हो सकता है, वाई भी हो जाएगा, जेड भी हो जाएगा, जो वेरिएबल, ठीक है? वेरिएबल का मतलब सिर्फ उसका न्यूमेरिक वैल्यू चेंज हो सकता है, ठीक है? जैसे 2 अगर यहाँ पे है तो 2 को हम लोग 3 से रिप्रेजेंट कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि वैल्यू सिर्फ 2 ही है, चाहे कहीं भी चले जाओ उसकी वैल्यू 2 ही है, बट x की वैल्यू हम लोग यहां पे 1 भी रख सकते हैं, तो डिफरेंट उसकी वैल्यू आएगी पूरे इक्वेशन की, ठीक है? देंगे कुछ भी आ सकते हैं हम लोग, x के जगह पे कुछ भी रख सकते हैं, ओके? आइए अब इसके बाद थोड़ा सा आ गया हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल, कितने टाइप्स के होते हैं पॉलीनोमियल?
सभी लोग ध्यान से देखते रहिए और वीडियो को एंड तक देखिएगा. इट्स अ वेरी हेल्पफुल वीडियो फॉर योर एग्जामिनेशन एंड विच एग्जामिनेशन फॉर बोर्ड्स एंड प्रिपरेशन ऑफ एनी एग्जामिनेशन एज लाइक कंप्लीट एग्जामिनेशन. ठीक है, हो गया. अब इनके टाइप्स देखते हैं हम लोग कितने होते हैं. पहला लीनियर लीनियर पॉलीनोमियल लीनियर पॉलीनोमियल. ठीक है, लीनियर पॉलीनोमियल है ऐसा पॉलीनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो जा रही है, वन. डिग्री क्या होना चाहिए इसके में, डिग्री वन. डिग्री वन रहनी किसकी, वेरिएबल की. अगर डिग्री वन है, अ पॉलीनोमियल ऑफ अ डिग्री, अ पॉलीनोमियल ऑफ अ डिग्री वन इज कॉल्ड लीनियर पॉलीनोमियल. अ पॉलीनोमियल हैज अ डिग्री वन, अ पॉलीनोमियल हैज अ डिग्री वन, देन इट्स कॉल्ड लीनियर. एज एग्जांपल देखिए, इनका एग्जांपल भी हम लोग लिख देंगे. एग्जांपल जैसे एग्जांपल बताइएगा. देख रहा हूं, x की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1. x की हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1. हाँ, सेकेंड क्या हो गया लीनियर पॉलीनोमियल के पास, क्वाड्रेटिक, QUA DRATIC क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल. ठीक है, क्या हो गया ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल. अ पॉलीनोमियल इज डिग्री इज टू, अ पॉलीनोमियल इज डिग्री इज टू, देन इट्स कॉल्ड पॉलीनोमियल कौन सा, क्वाड्रेटिक. ए पॉलीनोमियल है और इफ द पॉलीनोमियल इज डिग्री टू देन इट्स कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल. क्या कह रहा है, लीनियर वाले में उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो रही थी, सिर्फ वन, एज लाइक वन. ठीक है, सिर्फ वन. और क्वाड्रेटिक में कितनी हो गई हाईएस्ट डिग्री, टू. कितनी हो गई, ठीक है, टू. हाँ, दो. आइए क्वाड्रेटिक के लिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, डिग्री इनकी कितनी होनी चाहिए, डिग्री टू. एग्जाम्पल इनके एग्जाम्पल्स भी लिखेंगे. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस. ठीक है, समझ में आ रहा है. फिर क्यूबिक पॉलीनोमियल, आइए क्यूबिक पॉलीनोमियल. अब आपको नाम से तो अंदाजा लग गया होगा कि क्या होने वाला है और थोड़ा आप लोगों एवर ये सारी डिस्कशन भी हो गई है. ठीक है, तो ये 1 हुआ, 2 हुआ, और ये क्यूबिक है. क्या हो जाएगा, 3. डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी, डिग्री 3. इक्वेशन एग्जांपल देख लीजिए कैसा होगा, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, कुछ भी. ठीक है, हो गया, समझ में आ रहा है. क्यूबिक में क्या आ गया, डिग्री कितनी थी, 3. क्यूबिक में डिग्री 3 है. किसी भी पॉलीनोमियल की डिग्री 3 हो जाएगी, देन इट्स कॉल्ड क्यूबिक पॉलीनोमियल. इफ एनी पॉलीनोमियल डिग्री इज 3, देन इट्स कॉल्ड क्यूबिक पॉलीनोमियल. ठीक है, बहुत बढ़िया. आइए क्यूबिक के बाद क्या आ गया, बाय क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल. ईच क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे जो आपके चैप्टर में है और आपके सिलेबस में, जो कि एग्जाम के लिए, चाहे वो आपका होम बोर्ड हो, बोर्ड हो. ठीक है, और आप लोग किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें आने वाली सारी चीजों को हम लोग. ठीक है, इसी से कभी हम लोग को आता है कम्पिटेटिव एग्जाम में भी, एज लाइक एमसीक्यू दिया रहेगा, तो हम लोग सारी भी पढ़ लेंगे जितनी भी इंट्रो है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जनरल क्वेश्चन. इसके बाद हम लोग फिर पहुंचेंगे ही वहां पे. ठीक है, क्या हो जाएगा, डिग्री कितनी होगी इसकी, 4. डिग्री बाय क्वाड्रेटिक की डिग्री 4 होगी. इक्वेशन लिखिएगा आप, 4x की पावर 4, 3x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 3. ठीक है, हो गया. इसी तरीके से समझ में आ रहा सभी को,
और कोई दिक्कत? अब इसके बाद एक चीज आ गई जो बहुत इसमें पूछी जाती है, जीरोस, जीरोस, रूट्स, सॉल्यूशन। क्या क्या पूछा जाता है? जीरोस, रूट एंड सॉल्यूशन। किसका किसका? ये सभी किसके पूछा जाता है? पॉलीनोमियल के, पॉलीनोमियल के। पता चल रहा है जीरोस, रूट, सॉल्यूशन कौन है, किसके पूछे जा रहे हैं? पॉलीनोमियल के। कौन है ये? क्या तीनों लोग का नाम अलग अलग है? तो लोग अलग अलग है? नहीं, ये वही है एंजल प्रिया, ठीक है, ढेर सारे नाम से बना हुआ है वीडियो उनका और आईडी। बट ऐसा है कि नहीं कोई और ही है, वो एक ही बंदा है। तो जीरोस के लिए क्या हो जाएगा? जीरोस भी सेम है, रूट्स भी सेम है, सॉल्यूशन भी ठीक है। किसी के घर का नाम गोलू है, किसी के घर का नाम गोलू है, उसको प्यार से उसके और फ्रेंड लोग बुलाते हैं छोटू, और उसके स्कूल का नाम सौरभ है, ठीक है, गोलू, छोटू, सौरभ, जिस भी नाम से बुलाए। तो क्या वो सौरभ घर में रह रहा है तो अलग है, बाहर आ रहा है तो क्या वो अलग हो जा रहा है? अंदर है तो अपना बच्चा की तरफ, बाहर आ रहा है तो सनी देओल की तरफ? नहीं, गोलू या सौरभ जो भी है सब सेम ही है, पर उनका नाम अंदर है। जीरोस, रूट्स एंड सॉल्यूशन, ठीक है। एक और क्वेश्चन होंगे, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट? 2x² + 6x + 4। अगर ये सिंपल से तो x की उस वैल्यू पे, जिसका x की वैल्यू रखने पे, x की वैल्यू रखने पे इस पे इसका आंसर जीरो हो जाए तो ये पॉलीनोमियल कहलाएगा, ठीक है, ये उसका रूट्स कहलाएगा। x की वैल्यू रखने पे अगर इसका आंसर जीरो हो जाए तो ये क्या कहलाएगा? x की वैल्यू रखने पे अगर इसका आंसर जीरो हो जाए देन इट्स कॉल्ड द रूट ऑफ दिस पॉलीनोमियल, ठीक है, बहुत बढ़िया। जैसे p इज इक्वल टू माइनस टू, p इज इक्वल टू माइनस टू, आइए रखिए 2 × (+6) (-2) + 4। ये स्क्वायर में कितना माइनस माइनस रहे, स्क्वायर में कैसी क्षमता है, ऐसी कैपेसिटी है, वो सबको पॉजिटिव कर देती है। क्या कर देती है? सबको पॉजिटिव कर देती है। उसके पास डिवाइड पावर है, दैविक शक्ति है उसके पास। 2, 4 यहाँ पे हो गया -12 + 4 (+4) - 12 - 12 = 0। Then we can say, after that we can say is what? जीरो आ गया है। देन व्हाट वी कैन से, हम कह सकते हैं कि -2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलीनोमियल, ठीक है। अगर हम लोग यही वन रख देते, सपोज क्या सपोज कर रहे हैं, एफ की वैल्यू वन रखने पर 2 + 6 × 1 + 4। देख रहे हो आप लोग कैसे हो रहा है? 2, 6, 4 कितने हो गए ये सभी लोग? 12। तो हम लोग क्या कहते हैं, ये पॉलीनोमियल का जीरोस होगा x = 0? नहीं, ये x = इज नॉट जीरो ऑफ पॉलीनोमियल। या कह सकते हैं इट्स नॉट रूट ऑफ द पॉलीनोमियल, या कह सकते हैं इट्स नॉट सॉल्यूशन ऑफ अ पॉलीनोमियल। समझ में आ रहा है तुम? बहुत अच्छा, आइए नेक्स्ट करेंगे। सभी लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए, और जिसको जो टॉपिक नहीं आ रहा है या जिस पे टॉपिक उन लोग को वीडियो चाहिए उस टॉपिक को प्लीज कमेंट करिए, मैं उस टॉपिक पे जल्द ही वीडियो बनाऊंगा प्लीज, ठीक है। देन हम लोग अभी पॉलीनोमियल के अब थोड़े से स्टैंडर्ड क्वेश्चन को पढ़ने चलेंगे, ठीक है, थोड़े से क्या करेंगे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन को पढ़ने चलेंगे, कैसे आता है एग्जाम में या आपके बुक्स में कैसे कैसे प्रॉब्लम्स भी हुए, तो सभी चीजों को हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। कुछ फॉर्मूले लिख दिए जा रहे हैं, जैसे
स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, किसके बराबर है, पी ऑफ एक्स के बराबर है, वेयर इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है, फॉर्मूला इसलिए लिखवा दिया जा रहा है, बुक में डेरिवेशन है, जरूर से उसको देख लीजिएगा, इसके रूट्स सपोज अगर इसका रूट रूट्स अल्फा एंड बीटा है, रूट्स इसके अल्फा और बीटा है, तो कैसे कर लेंगे, फॉर्मूला डेरिवेशन चल रहा है, बुक्स में भी देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा सेम है, ठीक है, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या हो जा रहा है, x की जगह पे हम लोग अल्फा रखते हैं, x की जगह पे अल्फा रखते हैं, x के रूट्स का मतलब क्या हो जाता है, अगर x की जगह पे हम लोग अल्फा रख देंगे उसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी, और अगर हम लोग बीटा रखेंगे तो इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी, ठीक है, डेरिवेशन किया जाए इसका, जल्दी बताइएगा डेरिवेशन किया जाए इसका, बताइए सब लोग, आइए कर दिया जाए डेरिवेशन कर दीजिए, क्या ये रूट्स हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू व्हाट, एक्स माइनस अल्फा यहां लिखे रहे एंड एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस बीटा आर दी फैक्टर फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल रहने लिखा के डैश लिख दिया गया, क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, तो हम लोग के इज इक्वल टू एक्स माइनस क्या, एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा, हो सकता है, हो सकता है, ठीक है, के कहा क्या है यहां पे, के इज कांस्टेंट, के इज क्या है कांस्टेंट, अब क्या करेंगे हम लोग आगे, जल्दी से हम लोग इसको इसी साइड ऐसे लिखिए ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल इतना, और यहाँ पे के का अंदर सब लोग का मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अंदर गया ये कितना बना दिया, एक्स बीटा माइनस अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, ठीक है, क्या बना दिया माइनस अल्फा बीटा, और हम क्या हो जाएगा इसके लिए, जस्ट सबको साथ में लिखेंगे किस तरीके से, के इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फिर माइनस बीटा माइनस एक्स माइनस बीटा, रुक जाएंगे लोग इसको नीचे लिख दिया, वहां पे नीचे लिख दिया जा रहा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा, ठीक है, फिर अल्फा एक्स है, सॉरी अल्फा एक्स या एक्स अल्फा रख दीजिए, ठीक है, एक्स अल्फा, और यहां पे हो गया, फिर अंदर क्या हुआ ये लोग का प्लस अल्फा भी क्या, ठीक है, आइए इसके लिए हम लोग अब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या k इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन है अल्फा प्लस बीटा हो गया, और यहाँ पे अल्फा बीटा दिख रहा है, दिख रहा है सभी को, बहुत बढ़िया, अब क्या कर दिया जाए, k से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ब्रैकेट खोल दिया जाएगा इसका, k एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस अल्फा, ठीक है, और इधर क्या थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, बहुत बढ़िया,
सभी लोग लाइक से सब्सक्राइब खूब करते रहिएगा, इससे आपको भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपको वीडियो इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूंगा। क्या हो जाएगा इसमें कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड। आप थोड़ी सी हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन फेज पढ़ रहे थे, इसमें स्लोली स्लोली चल रहा है, अब आप लोग थोड़ा थोड़ा अपग्रेड हो रहे हैं, हम लोग अब स्पीड को अपने बढ़ाएंगे। क्या हो गया ए इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू क्या बताइए, अगर कंपेयर किया जा रहा है ए इज इक्वल टू के हो जाएगा कि नहीं होगा, जो जो कंपेयर करने पे आ रहा है क्या क्या लग रहा है आपको, ए इज इक्वल टू के और b इज इक्वल टू माइनस क्या है k अल्फा प्लस बीटा है कि नहीं है, c इज इक्वल टू वॉट अल्फा बीटा यही है, देख रहा है सभी को साथ में इनका k k ठीक है, साथ में इनका k इसी तरीके से सभी का आया है। अब k बराबर अगर हम लोग का a है तो जहां जहां k है उनको रख दीजिए, जहां जहां k है उनको रख दीजिए, तो b इज इक्वल टू का हो जाएगा माइनस a अल्फा प्लस बीटा और c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a अल्फा बीटा, देन वी फाइंड इज व्हाट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई a एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाई a, पता चला कहां से आ रहा था, आपके टीचर पढ़ा रहे थे कि अल्फा बीटा अल्फा डॉट बीटा है तो हो जाएगा सी बाई ए और अल्फा प्लस बीटा है तो क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए, और मैं क्या डेरिवेशन मैंने इसी लिखा था दिया, देखिए समझ में आ रहा सभी को, इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा, इसको हम लोग और भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लेंगे फिर शुरू करेंगे अपनी मेथड, बस थोड़ी देर और जैसे इतना सब आप लोग बना के थोड़ी पढ़ रहा, थोड़ी देर और बस दो मिनट और होने वाला है, उसके बाद फिर मैं एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस द थ्योरी ओके, बिकॉज इट इज अ बेस एंड बेस इज लाइक नेसेसरी फॉर डेवलप एनीथिंग, कुछ भी घर दरवाजा कुछ भी बना रहे हो, बिल्डिंग बिल्डिंग इमारत इमारत जो भी बनाना है सबके लिए तो फाउंडेशन उसका मजबूत करना पड़ेगा। आइए क्या हो गया अब सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ, कोफिशियंट कोफिशियंट ऑफ एक्स ठीक है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, उसी तरीके से क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू ओवर कोफिशिएंट होगा बताइए, कोफिशिएंट होगा कांस्टेंट टर्म होगा, कोफिशिएंट होगा नहीं लिख सकते हो, कोफिशियंट होगा नहीं होगा क्योंकि ये कॉन्स्टेंट वहां पे कोई था ही नहीं सी के साथ, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशियंट, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर ठीक है। अब यहां पे सारी बातें क्लियर हो गई, अब हम लोग धीरे धीरे एंट्री करेंगे न्यूमेरिकल पे, आइए एक न्यूमेरिकल लिखा जाए, बहुत हो गया, धन्यवाद आप लोगों का इतना देर तक वीडियो देखने के लिए और सब्र बना के बैठने के लिए, अब हम लोग आपके डिमांड की तरफ जो कि न्यूमेरिकल है हम लोग अब अप्लाई कर रहे हैं ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट, पहले क्वेश्चन हम लोग लिख देंगे, क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल, फाइंड द जीरोज, फाइंड द जीरोज और पॉलीनोमियल, बहुत इजी होने वाला क्वेश्चन ठीक है, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल सिक्स
x to the power 2 6 x square minus 6 x square minus 7 x minus ठीक है क्या फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल 6 x square minus 7 x minus 3 and verify the relation between किसमें the zeros and the coefficient समझ में आया क्या पूछ रहा है ये फाइंड द पॉलीनोमियल ऑफ 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 और फिर क्या पता लगाना है उन लोग का रूट तो पता लगाना है और फिर उन लोग के रूट और कोफिशिएंट में भी जो एक रिलेशन था उसको भी पता लगाना है आइए क्या करेंगे इसके लिए हम लोग सबसे पहले सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स और फैक्टराइज करने का अपना मेथड जानते हैं कैसे होगा बताइए इसका इसमें मल्टीप्लाई जो भी कॉन्स्टेंट टर्म है उसका उसमें मल्टीप्लाई करने के रियल नंबर आपस में और जोड़ने घटाने पे इसको कैसा लाएंगे इनके बराबर ठीक है जोड़ने घटाने पे कैसा लाएंगे इनके बराबर ये सब लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं इसीलिए मैंने इसको नहीं किया आइए फैक्टराइज करने के लिए तो हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 यही होगा ओके कॉमन ले लिया देन यहां से हम लोगों ने लिया 3x तो यहां बचेगा क्या 2x माइनस 3 प्लस 1 2x माइनस 3 आंसर क्या जाएगा फिर कॉमन लेंगे 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 ठीक है अब इसके रूट्स क्या हो जाएंगे रूट्स क्या हो जाएंगे इसके एक एक करके हम लोग लिखेंगे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 अपॉन 2 और इफ लिखें इफ 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 Then, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन थ्री यही होगा माइनस वन अपॉन थ्री जो भी इसके बीच में रिलेशन थे उसको हम लोग जल्दी से बनाएंगे एग्री करते हैं रिलेशन क्या था सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x इसके टर्म में वो भी माइनस के तो कोफिशिएंट इसका क्या है माइनस 7 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ये 6 क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा जल्दी बताइए क्या होने वाला है वो अरे सिंपल सी बात है माइनस माइनस प्लस अपॉन 6 ठीक है और सम ऑफ जीरोस सम ऑफ जीरो चाहे तो हम लोग इसको यहाँ पे दिया हुआ है जीरो थ्री और टू थ्री बाई टू प्लस माइनस वन बाई थ्री यहाँ पे सेवन बाई सिक्स आया देखिए आएगा दोनों साइड सिक्स हम लोग इसको ले लें और नाइन यहाँ हो गया माइनस टू हो गया ये सेवन बाई सिक्स इधर है देख लो सेवन बाई सिक्स इस साइड भी और सेवन बाई सिक्स इस साइड भी देन हाँ ये है ठीक है इसका जीरो ये है हो गया प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस लिख दिया जाए प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस जीरोस क्या फॉर्मूला था c अपॉन a मींस व्हाट कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कांस्टेंट टर्म इसका कितना है माइनस 3 अपॉन 6 इक्वल टू व्हाट माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 ठीक है
रख दिया जब प्रोडक्ट मीन्स अल्फा बीटा होता था अल्फा डॉट बीटा अल्फा हम लोग का कितना है 3/2 इंटू -1/3 इनको इन्होंने कट कर दिया तो यहाँ पे -1/2 चला ही आ रहा है बचा कितना -1/2 इधर -1/2 देखा हो गया डिलीशन। एक क्वेश्चन और हम करेंगे आइए थोड़ा सा स्टैंडर्ड समझ में आ रहा सबको बहुत वेरी गुड वेरी गुड ठीक है। इसी तरीके से आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब खूब करते रहिए और वीडियो में बैक टू बैक कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो छूट जाएगा जिस भी टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए प्लीज कमेंट करके बताइए ठीक है। जल्दी मैं उस टॉपिक पे वीडियो आपको डिलीवर करूंगा पहुंचा दूंगा आ जाएगी आपके पास ओके। क्या हो गया क्वेश्चन आइए क्वेश्चन लिख दिया दिख रहा है सभी को क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड डी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल सम एन प्रोडक्ट फर्स्ट स्टैंडर्ड हो गया सम एन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरो आर -1 and -20 ठीक है। नीचे हम लोग डेरिवेशन देखे थे कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या गया था स्टैंडर्ड इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा उसी का यहाँ पे देख रहे हैं कैसे होगा आइए -20 अभी हम लोग को सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिया हुआ है हम लोग को पता लगाने के लिए कहेगा कि पता लगाओ रेस्पेक्टिवली मीन्स क्रमानुसार रेस्पेक्टिवली आल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल टू ऑब्टेन ऑल्सो फाइंड जीरोस जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल ये भी ठीक है क्या है अब इसके लिए हम लोग करेंगे स्टार्ट कैसे फॉर्मूला बार बार लिखते रहिएगा ठीक है फॉर्मूला बार बार लिखते रहेंगे वो याद होता रहेगा फॉर्मूला क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा यही था ठीक है। हम लोगों को क्या दिया हुआ है गिवेन में क्या है गिवेन में देखिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा दोनों दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है सम और -1 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज -20 ये दिया हुआ है हम लोग रख देंगे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स तो यहाँ पे -1 और फिर अल्फा प्लस बीटा कितने अल्फा डॉट बीटा -20 क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस एक्स और यहाँ पे हो गया आपका -20 आ गया आपको मिल गया आपका पॉलीनोमियल आ गया पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये हो गया पहला स्टेप हम लोग ने क्लियर कर लिया दूसरा स्टेप जीरोस पता लगाना है जीरोस पता लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे फैक्टराइज कर लेते हैं ठीक है फॉर जीरोस दे दीजिए क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x -4x -20 ठीक है किस तरीके से किया गया मल्टीप्लाई करने कितना जोड़ने का टाइम कितना क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 4 20 5 -4 = 1 देन क्या हो गया यहाँ पे x स्क्वायर
एक्स स्क्वायर कॉमन ही ले लिया, क्या इस पेपर पर है कि एक्स कॉमन ले लिया गया एक्स प्लस फाइव, यहां से माइनस फोर कॉमन ले लिया जाएगा एक्स प्लस फाइव, एक्स प्लस फाइव दोनों में कॉमन है एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस फोर, ठीक है एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस फोर। x प्लस फोर और x माइनस फोर, x माइनस फाइव x प्लस फाइव है और x माइनस इज इक्वल टू जीरो, ठीक है जीरो है। इफ x प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो देन x इज इक्वल टू माइनस फाइव और x माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो x इज इक्वल टू फोर, कौन कौन से आगे x की वैल्यू माइनस फाइव भी हो सकती है और फोर भी हो सकती है, ये जीरो हो सकते हैं। बताइए जैसे ऐसी कोई भी इससे जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो गया ना, मैं आशा करता हूं ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। मैं आशीष दुबे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कतई नहीं भूलिएगा, मैं ऑन द सेम टाइम मैं इसके आगे की वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है थैंक यू।